हमने पेंटिंग तो बहुत देखी है, पर आज आपको एक अद्भुत पेंटर से हम रूबरू करवाएंगे जो अपनी कला से कर चुके हैं कई अभिनेताओं व खिलाड़ियों को प्रभावित। झुंझुनू के गुढ़ागुड़ जी कस्बे के रहने वाले एक चित्रकला के शिक्षक अपनी कला से अद्भुत पेंटिंग बना रहे हैं। यह पेंटिंग उनके द्वारा कपड़े के बचे हुए अवशेष से बनाई जा रही है। वह कपड़े से पेंटिंग बना रहे इकबाल ने बताया कि वह बचपन से ही पेंटिंग करते आ रहे हैं। उन्होंने कई हर एक माध्यम में पेंटिंग करने के बाद उन्होंने यह फैसला लिया कि वह अब कुछ अलग पेंटिंग बनाएंगे। तब उन्होंने कपड़े की बची हुई कतरन से पेंटिंग बनाना शुरू किया। आज यह पेंटिंग लोगों को काफ़ी पसंद आती है। अभी तक वह कई अभिनेताओं की पेंटिंग बना चुके हैं, जिनमें अमिताभ बच्चन है, सलमान खान, शाहरुख खान व आमिर खान के साथ में कई खिलाड़ियों की भी उन्होंने पेंटिंग बनाई है, जिनमें महेंद्र सिंह धोनी, हरभजन सिंह, सुनील गावस्कर इत्यादि लोगों को पेंटिंग बनाकर वो भेंट कर चुके हैं। नमस्कार, मेरा नाम इकबाल खान। बचपन से मैं पेंटिंग्स करता आ रहा हूँ और कलर से मैंने काफ़ी पेंटिंग्स बनाई है। सभी मीडियम में मैंने काम किया है, जिसमें वाटर कलर भी है, ऑयल पेंट भी है, एक्रेलिक भी है, ऑयल पेस्टल्स भी है। तो 25 साल तक काफ़ी मतलब इन मीडियम्स में काम करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे एक नया मीडियम लेना चाहिए, क्योंकि एक बंधन है इन सभी माध्यमों के अंदर। और फिर एक दिन की बात है, 2013 के आसपास की बात है, जब मैं कपड़ों के ढेर के अंदर कुछ कलाकृतियां जब मुझे दिखाई दी तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें ढेर सारे रंग हैं, ढेर सारे टेक्स्चर्स हैं, तो क्यों ना इनको लेकर के मैं एक चित्र बनाऊँ। तो सबसे पहले मैंने अपनी माँ का एक पोर्ट्रेट बनाया था जो काफ़ी सफल रहा। उसके बाद में तो मैंने काफ़ी मतलब पोर्ट्रेट्स वगैरह और कई पेंटिंग्स इसमें बनाई। इसमें अनंत कलर्स हैं और अनंत टेक्सचर्स निकल करके बाहर आते हैं, जो अन्य चित्रों से, अन्य कलाकारों के जो काम हैं उनसे अलग करते हैं मेरे चित्रों को। कपड़े की जो कतरन होती है, जो अपने पास घर में बच जाती हैं, और टेलर, लेडी टेलर है, जेंट्स टेलर है, उनके पास जो बच जाती है उनको ला करके ही इस्तेमाल किया जाता है। नए कपड़े होते हैं, वो पुराने नहीं होते हैं। तो अभी तक कितने ऐसे पोर्ट्रेट और किस किस के पोर्ट्रेट आप बना चुके हो? सेलिब्रिटीज के भी पोर्ट्रेट्स बनाए मैंने, और कुछ नेता हैं भाजपा के, उनके भी पोर्ट्रेट्स मेरे पास बनने के लिए आए थे, उनके बनाए हैं मैंने। इसके अलावा एक्टर्स के भी पोर्ट्रेट्स हैं, अमिताभ बच्चन साहब के बनाए हैं, और अभी फिलहाल ही मैंने अभी 2-3 दिन पहले देवानंद साहब के लिए चित्र बनाया, उनकी भी एग्जीबिशन लगने वाली है। तो स्पेशली वो कपड़ों की कतरन से बनने के लिए मेरे पास पोर्ट्रेट आया था, वो भी मैंने बनाया है। राजस्थान ललित कला अकादमी से भी मुझे पुरस्कार मिला है, और अलसा ग्रुप एंड आर्ट की तरफ से भी मुझे पुरस्कार मिला है, और OMG बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में मेरा नाम दर्ज हुआ है ऑल इंडिया से पोर्ट्रेट्स के लिए, कपड़ों के कतरन के लिए। तो ये रोजाना के अभ्यास से ही होता है। सबसे पहले तो हम क्या चीज़ बना रहे हैं, मतलब सब्जेक्ट चुनना पड़ता है कि हम चीज़ बना क्या रहे हैं। उस सब्जेक्ट को लेने के बाद एक बार स्केच होता है, स्केच करने के बाद अपने आप ही स्वतः ही जो है चित्रकार के विवेक से कार्य होता है कि कौन सा रंग कहाँ पर लगाना होता है। जब उसको ज्ञान हो जाता है तो वो अपने आप ही वो चित्र अपने आप बनता चला जाता है। मैंने अभी बताया था अमिताभ बच्चन साहब का बनाया, शाहरुख खान साहब का बनाया, सलमान खान, आमिर खान, यहाँ तक कि हमारे इंडिया टीम के जो क्रिकेटर्स हैं उनके पोर्ट्रेट्स बनाकर उन्हें गिफ्ट कर चुका हूँ।